हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं भैंसों के लिए सूखा घास लेने, जिसको बोलते हैं पराली पंजाबी में। तो अभी हम जो खेतों में रास्ता बना था वो दिखाते हैं आपको। ये चीज़ इस तरह का रास्ता बना होता है, कुछ जगह से सूखा हुआ रास्ता और कुछ जगह से गीला। जहाँ पे पानी खड़ा हो वहाँ से गीला होता है। ये देखिए जिस तरह के यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और यहाँ से गीला है थोड़ा थोड़ा रास्ता। तभी हम इस रास्ते से जा रहे हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपका वेलकम करता हूं। तो आज मैं आया हुआ हूं खेतों में अपने दोस्त के साथ भैंसों के लिए चारा लेने। तो ये देखें, ये जो है ना सूखा चारा लेके जा रहे हैं और इसके बाद दूसरा लेके जाएंगे। ये जो चीज़ है ना, इसके साथ घास काटेंगे। ये देखें, इसको भाई क्या बोलते हैं? दातर। इसको बोलते हैं दातर, पंजाबी में दातर बोलते हैं। और ये है छोटी सी दातरी, पंजाबी लफ्ज़ में इसे दातरी बोलते हैं। हाँ जी, तो गाइस ये जो दरख्त है, ये धूप की वजह, सर्दियों की वजह से ना इसकी हरियाली जो ख़त्म हो चुकी है। अभी जब ये मौसम बहार आएगा तो फिर उसके बाद ये हरा भरा हो जाएगा ये दरख्त। फिर इसकी छाँव में हम यहाँ पे आके बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं गर्मियों में। तो अभी हम सूखा घास इकट्ठा करना शुरू करेंगे। और ये हमारे भाई अभी लेके जा रहे हैं गधा गाड़ी के पास, गधा गाड़ी पे छोड़ने जा रहे हैं। ये देखें, हाँ जी, तो गाइस अभी खुरम भाई जा रहे हैं भैंसों के लिए ग्रीन ग्रीन घास लेने। ये देखें यहाँ पे घास है और ये हम लोग काटेंगे, ये ग्रीन ग्रीन, ये और ये दोनों मिक्स करेंगे और भैंसों को खिलाएंगे, क्योंकि सर्दियों में यही खुराक होती है उनकी अच्छी। हाँ जी, तो गाइस जो मैंने आपको दिखाई थी दातरी घास काटने वाली, तो वो हमारी गुम हो चुकी है, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। वो देखिए खुरम भाई भी परेशान हो रहे हैं, वो मिल नहीं रही, इसके अंदर रखी थी, अभी पता नहीं कहाँ पे गई है, गिर गई है कहीं रास्ते में या इसके अंदर ही, अभी मिल तो नहीं रही। हाँ जी, तो गाय ये हमारी जो है मिल गई है दातरी, ये चीज़ है वो। तो अभी खुरम भाई तैयारी करने लगे हैं घास काटने की। ये देखे खुरम भाई ने अपना जूता उतार लिया, ये देखें। और ये बड़ा जो है ना कटर पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं दातर। जूता उतार लिया, इसके अंदर पानी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। नहीं तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अभी घास काटूं। ये देखें इसके अंदर पानी है, तो जूते ख़राब हो जाने हैं, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा इसके। हाँ जी, तो ये हमारा गधा गाड़ी है, ये देखें। और गधे को घास खाने के लिए दिया है काट के खुरम भाई ने, ये गधा है और ये गाड़ी, इसके ऊपर हम बैठ के आए हैं और इसके ऊपर ही बैठ के जाएंगे। तो ये खुरम भाई अभी जो बड़ा कटर है दातर, उसके साथ घास काट रहे हैं, वो देखें पानी के अंदर ही चले गए हैं।
और इतनी सर्दी में पानी के अंदर घास काट रहे हैं। जी तो गाइस मुझे थोड़ा सा सूखा रास्ता मिल गया और अभी मैं अभी अंदर जा रहा हूँ खुरम भाई के पास। खुरम भाई अभी यहाँ से कितना लेके जाओगे घास? दो डेर। अच्छा, दो डेर लेके जाओगे तो दो टाइम को हो जाएगा खाना अब भैंस का। हाँ जी तो गाइस भैंसों का दूध पीना तो बहुत आसान है, लेकिन भैंसों को संभालने वाला जो काम है ना, ये बहुत मुश्किल है। ये देखे पानी के अंदर खुरम भाई घास काट रहा है, और सर्दी में, सर्दी भी आ जाए थोड़ी थोड़ी, लेकिन पानी बहुत ठंडा है। इतनी ठंड में वो घास काट रहा है अपनी भैंसों के लिए। अभी ये देखें हम लोगों ने कपड़े के ऊपर रख दिए हैं घास, और ये अभी हम जाने की तैयारी करने लगे हैं। ये देखें खुरम भाई इकट्ठा कर रहे हैं घास जो काटा हुआ है। हाँ जी तो गाइस अभी हम जाने की तैयारी करने लगे हैं। ये देखें गधा गाड़ी तैयार हो गई है, घास वगैरह काट लिया, तो अभी हम जाने लगे हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और न्यू वीडियो आने वाली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।